हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन, लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही टॉपिक है, दैट इज मेमोरी एलोकेशन टेक्निक। आज हम देखेंगे कि मेमोरी एलोकेशन करने के लिए कौन कौन से टेक्निक है, जिसमें हम बात करेंगे कि मेमोरी के जो पार्टीशंस हैं उसमें कौन कौन से प्रोसेस को आप एकोमोडेट कर सकते हैं। और जब आप प्रोसेसेस को एकोमोडेट करने जाते हैं या किसी को मेमोरी एलोकेट करने जाते हैं तो उसमें किस तरह के स्ट्रेटेजी आप जो है लेंगे, तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मेमोरी एलोकेशन टेक्निक की बात करें तो देर आर थ्री मेमोरी एलोकेशन टेक्निक, दैट इज फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट फिट की, तो यहाँ पर आप देखें फर्स्ट फिट का मतलब होता है कि जो सबसे पहला होल या स्पेस मिलेगा जो कि आपके फाइल से ग्रेटर देन है या इक्वल है, तो उसको हम एलोकेट कर देंगे उस प्रोसेस को, ठीक है। तो अगर सपोज डेट आपका कोई प्रोसेस है, अगर वो एक पर्टिकुलर स्पेस चाहता है और जस्ट अगर उसे हम ढूंढते हुए या उसे हम सर्च करते हुए जस्ट सबसे फर्स्ट जो मेमोरी मिलेगा, सबसे फर्स्ट मेमोरी पार्टीशन जो मिलेगा जो कि जस्ट उससे ज़्यादा है या बराबर है, तो उसको हम एलोकेट कर देंगे। पर अगर बेस्ट फिट की बात आती है तो बेस्ट फिट में हम क्या करते हैं कि एलोकेट द स्मॉलेस्ट होल दैट इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिजायर्ड स्पेस। दैट मीन्स प्रोसेसेस को जितने स्पेस चाहिए उससे जितने भी पार्टीशंस उससे ज़्यादा हैं उनमें से जो सबसे छोटा होगा वो बेस्ट फिट में जाएगा। इसका मतलब सपोज डेट आपका फाइल या प्रोसेस का जो साइज है वो अगर सपोज डेट 200 किलोबाइट है और सपोज डेट आपके पास जो मेमोरी पार्टीशंस है वो 300 है, 400 है, 500 है, तो उसमें वो 300 जो स्पेस है, 300 केबी का जो पार्टीशन है उस पे जाएगा, ना कि 400 या 500। तो उसी तरह हम वर्स्ट फिट पे आते हैं। वर्स्ट फिट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है कि आपके पास जितने भी अवेलेबल पार्टीशंस हैं उसमें से जो सबसे बड़ा पार्टीशन होगा उसमें सबसे पहले एलोकेट करेगा। तो ये जो है तीन जो है टेक्निक है अगर मेमोरी एलोकेशन की बात करें। तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास जो मेमोरी पार्टीशंस हैं वो 100 KB का है, 300 KB का है, 150 KB का है, 650 KB का है, 450 KB का है, और जो हमारे पास प्रोसेसेस हैं उनका जो साइज है वो 212 KB है, 315 KB है, 127 KB है और देन 470 KB है। तो चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने तीनों टेक्निक को एक साथ एक टेबुलर के थ्रू जो हमने कंपेयर करने का कोशिश की है, जिसमें आपको फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट तीनों को हम दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 212 KB की। तो अगर फर्स्ट फिट की बात करें तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट फिट में समझाया था कि 212 KB अगर आपका पहला प्रोसेस का साइज है तो वो जस्ट इससे जो भी उसको बड़ा मिलेगा उसमें एकोमोडेट कर देगा। इसका मतलब ये जो है फर्स्ट फिट सबसे पहले जो है 212 को कहाँ एकोमोडेट करेगा, 300 में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 212 को 300 में करेगा, जबकि अगर बेस्ट फिट में बात करें तो वो बेस्ट फिट देखेगा कि 212 से जो है ज़्यादा कौन कौन सा है, तो 300 है, 650 है, 450 है, तो इसमें जो स्मॉलेस्ट है दैट इज 300, तो ये भी क्या करेगा, 300 को ही करेगा। बट अगर वर्स्ट फिट की बात करें तो वर्स्ट फिट में हमने आपको बताया था कि जो सबसे लार्जेस्ट पार्टीशन होगा उसमें सबसे पहले इसको एकोमोडेट करेगा। तो 212 KB जो है सबसे लार्जेस्ट जो है वो 650 है, तो यहाँ पर ये एकोमोडेट करेगा। उसके बाद आते हैं 315 में। तो 315 की अगर हम बात करें तो अगर हम फर्स्ट फिट की बात करें तो सबसे पहले देखेगा 315 से बड़ा साइज कौन सा मिल रहा है, तो सबसे पहले जो मिल रहा है वो 650 मिल रहा है, तो ये क्या करेगा, इसे 650 में जो है एकोमोडेट करेगा। बट अगर 300 अगर हम बेस्ट फिट की बात करें तो बेस्ट फिट में क्या होता है कि 315 से जितने भी लार्जेस्ट हैं उसको देखा जाएगा और उसमें से जो स्मॉलेस्ट होगा, तो अगर हम 315 से लार्जेस्ट की बात करें जो इससे बड़े पार्टीशंस हैं तो वो 650 और 450 है, तो दोनों में स्मॉलेस्ट कौन है, 450। तो यहाँ पर जो है 315 जो जाएगा वो 450 में जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वेस्टेज ऑफ मेमोरी जो है आपका सबसे कम हो रहा है। और वर्स्ट फिट में क्या होगा, 315 में अब देखा जाएगा कि जो सबसे बड़ा है, तो 650 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट सबसे बड़ा है वो 450 है, तो ये 315 जो है वो चला जाएगा 450 में। उसके बाद आते हैं 127 में। तो जब हम बात कर रहे हैं 127 की, तो 100 ऑलरेडी इससे छोटा है, 300 एकोमोडेट हो चुका है,
तो 150 ही 127 से बड़ा है, तो ये फर्स्ट 150 में चला जाएगा। उसके बाद अगर हम वर्स्ट बेस्ट फिट की बात करें, तो बेस्ट फिट में भी 127 जो है वो 150 में ही जाएगा। और अगर हम सॉरी, अगर वर्स्ट फिट की बात करें, तो जो 127 केबी है वो नेक्स्ट जो सबसे हाईएस्ट है उसमें जाएगा, दैट इज 300 केबी, क्योंकि 650 और 450 ऑलरेडी एकोमोडेट हो चुका है वर्स्ट फिट में। तो यहां पर बात करते हैं, तो ये वर्स्ट फिट में हो रहा है। उसके बाद बचता है 470 केबी। तो अगर हम बात करें फर्स्ट फिट में, तो अब कोई भी स्पेस नहीं बचा है जो कि 470 केबी के जो है प्रोसेस को एकोमोडेट कर सकता है। तो ये वेट करेगा ताकि कोई, जब तक कोई पार्टीशन फ्री नहीं होता है। जबकि यहाँ पर आप देखें तो 470 जो के बेस्ट फिट में 650 में चला जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें बेस्ट फिट की, तो यहाँ पर अभी तक हमने 650 के का जो पार्टीशन है उसको यूज नहीं किया है, तो वो वहाँ चला जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी वर्स्ट फिट में भी अगर आप बात करें, तो 470 के लिए कोई भी स्पेस नहीं बच रहा है, क्योंकि ये तीन ऑलरेडी हम ले चुके हैं। और साथ ही साथ जो जो इसमें बच रहे हैं वो 100 या 150 का बच रहा है, वो भी उस पे हम 470 को अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फाइनली देखें, तो जो बेस्ट फिट है ऑप्टिमल टेक्निक, तो यहाँ पर हम इस तरह से देख रहे थे। तो हमने मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स आपको बताया, जिसमें फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपको बता दिए। एग्जाम में भी आपके इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे, जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कई बार आपको कंपेयर करने के लिए पूछा जा सकता है, तो आप इस तरह से उसको कंपेरिजन दिखा सकते हैं। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अभी भी आपके मन में कोई क्वेरी है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।